नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। अनूपगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, अनूपगढ़ राजस्थान परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार कार्यालय में UDC भूप्राज 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुए ट्रैप। श्री गंगानगर ACV के DYSP भूपेंद्र सोनी व CI विजेंद्र शीला ने कार्रवाई को दिया अंजाम। UDC भूप्राज कंडक्टर ने मोहन लाल से 3 महीने पहले 3 सवारियों के बिना टिकट पकड़े जाने पर उच्च अधिकारियों से कंडक्टर मोहनलाल के हक में राहत प्रदान करने वाला फैसला करवाने के लिए 15,000 रुपये की राशि मांगी गई थी, जिसे आज अदा करते वक्त ACV के शिकंजे में आ गए। CI विजेंद्र शीला ने बताया कि अनूपगढ़ राजस्थान परिवहन निगम कार्यालय में सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वे UDC भूपराज को आगामी पूछताछ एवं जाँच के लिए श्रीगंगानगर ले जाया जाएगा। इस कार्यवाही को श्रीगंगानगर के ACV कार्यालय के DYSP भूपेंद्र सोनी व CI विजेंद्र शीला की नेतृत्व में ACV कार्यालय से DYSP व CI सहित 9 अधिकारी जांच हेतु पहुंचे, जिसमें हंसराज शर्मा, संजीव, दिनेश, प्रदीप, बजरंग, सुबे सिंह, सुरेंद्र ने कार्यवाही को अंजाम दिया। सर, रोडवेज डिपार्टमेंट में ACV कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी दीजिए। आज गंगानगर ACP टीम द्वारा राजस्थान परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार के UDC भूपराम को 15,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत की राशि जो है परिवादी मोहनलाल द्वारा अवैध सवारियां पकड़ी जाने पर उसका फैसला करवाने की एवज में उच्च अधिकारियों को देने के लिए जो राशि प्राप्त की गई है। तो सर, इसमें क्या उच्च अधिकारी भी शामिल हैं? अभी मामले की जांच चल रही है, जो भी होगा वो तफ्तीश में होगा। परिवादी कौन था सर? परिवादी मोहनलाल।